हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो लगभग 150-51 क्वेश्चन हम छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर से हम कर रहे हैं। तो टॉपिक के आपका थोड़ा बड़ा है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो फेस्टिवल के बारे में, कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रही है, तो ये आपका जाहिर सी बात है सिलेबस लंबा इसमें दिया पढ़ना पड़ेगा। तो हम 50-51 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में 9 पार्ट में कवर को कराया गया है। ये आपका 3-4 पार्ट और आएगा तो कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा। तो बढ़िया पार्ट वाइज इसको देखिएगा। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे पीएससी प्री 2024 के लिए, चाहे मेंस के लिए, चाहे व्यापम का कोई भी वैकेंसी तैयारी कर रहे होंगे, तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराया जाएगा। चलिए सेशन बढ़ाते आगे। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो हरेली का जो त्यौहार है आपके कब मनाया जाता है? हरेली त्यौहार हमारा छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। कौन से महीना में इसको मनाया जाता है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में, बैसाख मास की अमावस्या को, सावन मास की अमावस्या को, या पौष मास की पूर्णिमा को? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सावन मास के जो अमावस्या को, या आपका हरेली त्यौहार को मनाया जाता है। और इसी दिन खास करके हमारे छत्तीसगढ़ का पहला फेस्टिवल है। यहाँ पे जो त्यौहार कैसा होता है, पहले तो इसका जो ये आपका सावन के महीना अमावस्या को जो त्यौहार को मनाया जाता है, इसके गेड़ी पर्व भी कहा जाता है। तो गेड़ी पर्व के नाम से इसको जाना जाता है। मुख्य रूप से किसानों द्वारा, ये जो छत्तीसगढ़ के जो 80% जो किसानों के द्वारा, मतलब ये आपके खास करके आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में लगभग 80% जो 80 से 85% यहाँ पे किसान यहाँ पे निवास करते हैं। और इसी तरह मुख्य रूप से किसानों द्वारा इसको मनाई जाते हैं। हरेली त्यौहार छत्तीसगढ़ के हर घर में जो है आपका मनाया जाता है। और ये आपके इसमें नारियल फेंक प्रतियोगिता, गेड़ी बच्चों के द्वारा, ये आपके बहुत तरह के ये आपके खेल का आयोजन होता है। और इसमें जो लव हो, जो उपकरण होते हैं, औजार वगैरह, इसको यहाँ पे धो धा के उनके पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में कुड़हिल क्या है? प्रसिद्ध त्यौहार है, बच्चों का खेल है, अंत्येष्टि समय का रस्म है, या कढ़ी का ढेर है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में कुड़हिल जो है आपका, ये आपका एक तरह का बच्चों का खेल है। आप इसको बचपन में खेले होंगे, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के जो अंचल में जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है, खेला भी जाता है। तो छत्तीसगढ़ में कुड़हिल एक तरह का आपका खेल है जो बच्चों के द्वारा इसको खेला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में अंचल में हम यहाँ पे देखे भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेवा विवाह जो प्रथा है किस जनजाति में प्रचलित है? भातरा, परजा, गौंड या कमार जनजाति? तो सेवा विवाह एक तरह का अलग अलग जनजातियों में अलग विवाह होता है, उसी तरह आपका जो सेवा विवाह है कौन से जनजाति में प्रचलित है जी सेवा विवाह? तो यहाँ पे गौंड जनजाति, गौड़ जनजाति में विवाह हुआ होता है सेवा विवाह। इसको चरघिया या इसको लमसेना विवाह इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा, गौड़ जनजाति में आपका ये देखने को मिलती है। इसमें जो लड़का होता है और ये आपके इसमें जो वर होता है, जो लड़का द्वारा ये होता है, ये आपके वध्या यहाँ पे जो लड़कियों के यहाँ पे मूल्य चुका के अपने जो यहाँ पे इसको लमसेना कर, मतलब शादी करके इसमें सेवा देना होता है। कहने का मतलब ही आपका लड़का होता है यहाँ पे एक तरह का, जहाँ पे एक तरह का जो लड़की के घर में एक तरह का यहाँ पे सेवा करता है लड़की को, मतलब एक तरह का मूल्य चुकाने के लिए। तो इसी को यहाँ आपका सेवा लमसेना विवाह कहा जाता है, गौड़ जनजाति में आपका प्रचलित है। तो इसको याद रखिएगा। और आपका अपहरण विवाह याद रखिएगा, अपहरण विवाह इसको पैसोतुर विवाह भी किया जाता है, ये भी गौड़ जनजाति में प्रसिद्ध है। इसमें लड़का लड़की को अपहरण करके इसको भगा के इसमें शादी करता है, तो आपका पैसोतुर या इसको अपहरण विवाह कहते हैं। एक होता है दूध लौटावा विवाह, ये सभी को याद रखिएगा। दूध लौटावा विवाह क्या होता है? तो एक गौड़ जनजाति, ये भी आपका गौड़ जनजाति में प्रसिद्ध है। इसमें जो खुद के रिलेटिव, जैसे इसमें खुद के सगे संबंधी, इसमें मेरे फुफेरे भाई बहन, इसमें एक तरह का आपका शादी होता है खुद के रिलेटिव में, तो इसको ही आपका दूध लौटावा विवाह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में छेपका किसे कहते हैं? छोटी आँख वाले को, चोर को, छोटी नाक वाले को, या बच्चे को? तो छत्तीसगढ़ में छेपका किसे कहते हैं जी? तो छोटी नाक वाले जो
जिनका जो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी नाक वाले होते हैं, तो इसको छत्तीसगढ़ी में छिपका कहते हैं, हम बुलाते हैं, मतलब सी आपसे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिहारी झोपड़ी क्या है? तो सिहारी झोपड़ी आपका माड़िया स्त्री पुरुष का एक मिलन स्थान है, देवगिरी है, या आपका स्नान गिरी है, या आपका एक तरह का अन्न भंडार है। तो सिहारी झोपड़ी आपका माड़िया माड़िया जनजाति में स्त्री और पुरुष का एक मिलन स्थान है, जैसे आजकल जो मिलने का एक तरह का स्थान होता है, जैसे मॉल वगैरह में बुलाते हैं, बहुत सारी जगह होते हैं, इसलिए सिहारी झोपड़ी आपका माड़िया जनजाति में स्त्री और पुरुष का जो मिलन स्थान हो, जहाँ पे लोग मिलते होते हैं, इसी को यहाँ पे माड़िया जनजाति में इसको सिहारी बोलते हैं। तो आपका माड़िया जनजाति में आपका एक मिलन स्थल है लड़का और लड़कियों का, तो इसको ही आपका सिहारी झोपड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला को किस नाम से जाना जाता है? कैलाश गुफा, कुटुम्बसर की गुफा, जोगी मारा की गुफा, या आपका सीता बेंगरा की गुफा। तो विश्व के जो प्राचीनतम जो नाट्यशाला को किस नाम से जाना जाता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका आया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीता बेंगरा की गुफा। जो सीता बेंगरा का जो गुफा है आपके कहाँ पे स्थित है, तो आपके जो सरगुजा है, कहाँ पे सरगुजा में स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित जो गुफा है, यहाँ पे सीता बेंगरा की गुफा ये आपके सरगुजा में स्थित। जिला पूछे तो सरगुजा जिला आंसर लीजिएगा, जो कि विश्व के प्राचीनतम नाट्यशाला के यहाँ पे बहुत सारे साक्ष्य यहाँ से मिले हुए हैं। कहा जाता है लगभग 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि अपने जो नाट्यशाला की रचना इन्होंने यहाँ पे की थी, तो इसको याद रखिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे मौर्य कालन जो अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए हैं, लक्ष्मण बेंगरा की गुफा, ये भी सभी जो आपके सरगुजा में स्थित है, ये सभी जो कि जानकारी यहाँ से मिली हुई। जोगी मारा की गुफा ये भी आपके सरगुजा जिले में स्थित है, और कहा जाता है जो महाकवि कालिदास हैं, कौन महाकवि कालिदास सभी जानते होंगे, तो कालिदास ने इन इस यहाँ पे जो मेघदूत की रचना है, इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ी भाषा में इन्होंने यहाँ पे मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया है सरगुजा का, ये स्वर्ग प्रवेश द्वार इनको कहा गया है, तो इसको याद रखिएगा। ये सभी जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे जो देवदत्त और नर्तकी जो सूतनिका के यहाँ पे प्रेम गाथा का भी वर्णन यहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखिए। जो जोगी मारा की गुफा कहाँ पे है, तो आपका सरगुजा में है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका PSC व्यापम क्वेश्चन बहुत सारे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नहीं है गम्मत, नाचा, नौटंकी या भतरा। तो इसको कल पिछले क्लास में इसको बहुत बार बताया है। तो छत्तीसगढ़ में लोक नाट्य कौन सा नहीं है जी? गम्मत को तो देखे होंगे छत्तीसगढ़ में, ग्रामीण अंचल में खासकर जाता हो तो गम्मत, नाचा को भी देखे हैं, ये आपका नौटंकी आपका नहीं है, ये आपका यूपी का है, इसको याद रखिएगा। भतरा ये आपके भतरा जनजाति द्वारा किया जाता है। तो ये सभी जो है A, B और D हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य है, बाकी जो नौटंकी आपका यूपी की का है, यूपी स्टेट का है, हमारे राज्य का नहीं है, तो इसको याद रखें। बाकी गम्मत, नाचा, भतरा तो हम कल बताया था कल के सेशन में तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कौन से जो ग्राम मृत्तिका शिल्प का प्रमुख केंद्र माना जाता है? नगरनार को, बसनागर को, एक ताल को, या आपके भद्रीपाली टेमर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नगरनार है, ये आपका नगरनार, ये आपका बस्तर में, इसको याद रखिएगा। हाल ही में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ पे स्टील प्लांट यहाँ पे लगाने जा रही है, इसकी स्थापना भाई इनके द्वारा किया गया है, तो यहाँ पे स्टील प्लांट के यहाँ पे नगरनार के नाम करने से कुछ दिन पहले स्थापना की घोषणा की गई है। तो छत्तीसगढ़ की जो बस्तर जिला का जो नगरनार है, यहाँ पे जो आपका मृतका शिल्प प्रमुख केंद्र यहाँ पे माना जाता है, तो इसको याद रखे शिल्प केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सावन मास के हरेली अमावस्या के लेकर भादो मास के पूर्णिमा तक कौन सा नृत्य किया जाता है? ककसार नृत्य, डंडारी नृत्य, परघवनी नृत्य, या आपका गेड़ी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गेड़ी नृत्य, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ सावन के महीना में बताया था हरेली त्यौहार में इसका आयोजन किया जाता है, तो सावन महीने में हरेली अमावस्या लेकर भादो मास की पूर्णिमा तक कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आपका गेड़ी नृत्य किया जाता है। ककसार नृत्य अलग अलग जनजाति में, डंडारी नृत्य, परघव नृत्य अलग अलग जनजातियों में यहाँ पे ये नृत्य किया जाता है। कल के सेशन में इसको मैं बताया था गेड़ी नृत्य, इसको याद रखें हरेली त्यौहार में इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पुत्र की लंबी आयु की जो कामना किस पर्व पर विशेष रूप से की जाती है? हलषष्ठी में,
तीजा में, भोजली में या आपका पोला में। तो छत्तीसगढ़ में पुत्र की जो अपने जो संतान होते हैं उनके अपने बच्चे के जो लंबी आयु के जो कामना के लिए यहाँ पे जो महिलाएं अपने पुत्र या संतान के लिए जो खास करके इस पर विशेषकर जो यहाँ पे जो उपवास वगैरह रखती हैं, तो विशेष रूप से कौन सी पूजा की जाती है जी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हलषष्ठी। याद रखिएगा, तो अपने जो संतानों की जो पुत्र की लंबी अवधि के लिए यहाँ पे जो महिलाएं यहाँ पे कौन से पूजा पूजा कामना वगैरह करते हैं, तो हलषष्ठी आपका पर्व पर यह विशेष रूप से की जाती है। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रसिद्ध पनवानी गायिका जो शांतिबाई चेलक कहाँ के निवासी हैं? रायपुर, धमतरी, दुर्ग या कवर्धा जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो प्रसिद्ध जो पनवानी गायिका हैं शांतिबाई चेलक, या आपके कहाँ के निवासी हैं? तो ये आपके दुर्ग जिला, दुर्ग जिले के रहने वाले हैं शांतिबाई चेलक। या आपके कौन से, या आपके कपालिक शैली, याद रखें दो शैली में होती है, एक तो वेदमती शैली, तो ये आपका कपालिक शैली के आपके प्रमुख कलाकार है। कपालिक शैली क्या होता है कल बताया था, इसमें गाने का काम और नृत्य दोनों काम होता है, ये आपका कपालिक शैली होती है। वेदमती शैली क्या होती है, इसमें गाने का काम होता है, इसी को इसको वेदमती शैली कहते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, ये आपका कपालिक शैली के हैं प्रमुख कलाकार तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई, ये सभी आपका कपालिक शैली के हैं। वेदमती शैली कलाकार कौन है, तो झाड़ू राम देवांगन, रेवा राम साहू, पूना राम निशान और लास्ट टाइम आपका ऋतु वर्मा, ये सभी जो है आपका पनवानी गायिका है। इसको याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरंधा किस जनजाति को कहा जाता है? भैना को, कोरकू को, बिंजवार को या भतरा जनजाति को? तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कोरकू जनजाति को अरंधा जनजाति के नाम से इसको जाना जाता है। तो आपके कोरकू जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ निवास करते हैं जी? कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, तो इन यहाँ पे जिलों में खास करके कोरकू जनजाति निवास करते हैं। इन लोग का यहाँ पे देखेंगे तो कोरकू मतलब क्या होता है, तो आपका एक तरह का जमुन खोदने का जो आपके जमीन खोदने वाला होता है, इसको ही कोरकू बोला जाता है। इनका मतलब ये आपका थापड़ी नृत्य, कौन सा नृत्य करते हैं? थापड़ी नृत्य इन लोग करते हैं, और साथ ही साथ ढांढल नृत्य ये आपका आषाढ़ महीना में किया जाता है। तो दोनों को याद रखिएगा। और आपका पुनर्विवाह, एक विवाह होता है पुनर्विवाह, या आपका पाटु विवाह का इसको कहा जाता है। और ये आपका मृतक संस्कार में सीडोली प्रथा आपका प्रचलित है, तो इसको याद रखिए। इसको मृतकों को दफनाया जाता है, लड़की का स्तंभ इसमें, लकड़ी का स्तंभ इसमें गाड़ते हैं। तो ये सभी आपके कोरकू जनजाति में प्रचलित है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निमोनिया रोग को क्या कहते हैं जी? छत्तीसगढ़ में निमोनिया रोग सभी समझ गए होंगे, निमोनिया रोग, तो निब्बा रोग, निमोरी रोग, इब्बा रोग या आपका सैनी रोग। तो अलग अलग जनजाति क्षेत्रों में यहाँ पे जो भाषा को हम जानते हैं समझ, तो छत्तीसगढ़ अंचल में जो आदिवासी लोग होते हैं यहाँ पे, तो छत्तीसगढ़ निमोनिया रोग को इसको इन लोग इब्बा रोग बोलते हैं, इब्बा रोग के नाम से निमोनिया रोग को कहा जाता है। तो बहुत सारे जनजाति यहाँ पे आग से दाब के इलाज करते हैं, तो उसी तरह का निमोनिया रोग यहाँ पे इब्बा रोग के नाम से ही आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनजाति का धेरपा त्यौहार किस विषय से संबंधित है? कृषि से, शिकार से, विवाह से, आपका जन्मोत्सव से? जन्म से, जो बच्चों लोग का जन्म होते है वही वाला जन्मोत्सव है। तो जनजातियों का धेरपा त्यौहार, तो ये आपका धेरपा नहीं, आपका धेरसा है, टाइपिंग मिस्टेक हुए, तो आपका धेरसा पर्व है। तो धेरसा पर्व जो आपका, ये आपका किस विषय से संबंधित है? तो आपका कृषि के दौरान नए फसल के दौरान इसका, ये आपका इस फेस्टिवल, इस पर्व को मनाया जाता है। कौन से जनजाति मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कोरवा जनजाति में इसको मनाया जाए। उसी तरह सरहुल त्यौहार सुने होंगे, सरहुल त्यौहार ये आपका उराव जनजाति, कौन सी जनजाति? उराव जनजाति के द्वारा इसको मनाई जाती है। चैत्र के महीना में ये आपके फूल आने पे ये जो फेस्टिवल को मनाया जाता है। उसी तरह माटी त्यौहार ये आपके गौड़ जनजाति मनाई जाती है, जो पृथ्वी माता की यहाँ पर इसमें पूजा की जाती है, खास करके बस्तर संभाग में बहुत ही फेमस है। उसी तरह आपका ककसाड़ पर्व ये आपके अबुझमाड़िया के द्वारा इसको मनाई जाती है। और ढेर सा पर्व तो बता चुका हूँ, और आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है
गोंचा पर्व माड़िया जनजाति द्वारा बस्तर अंचल में आषाढ़ महीना में इसको मनाया जाता है, और मेघनाथ पर्व यहाँ पे गौड़ जनजाति मनाई जाती है, फागुन महीना में इसको मनाया जाता है। ये जब इससे भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तो जितना डिटेल हो सकता है मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ, चाहे जितना मतलब अपने तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ, कोई भी जो सेक्शन है छूटे ना, इसलिए यहाँ पे कंटेंट और क्वेश्चन पे मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बाकी आप समझदार हो। चलिए थैंक यू।